तो हेलो गाइस, तो देखिए मेरी हो रही है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग करते करते हम निकल गए डॉग्स के लिए खाना लेके और बाजरा लेके कबूतरों के लिए, जो कबूतरों को हम दाना डालते हैं। अच्छा बाजरा, आप लोग कहते हो कि बाजरा नहीं डालते गर्म होता, मैं बाजरा ऐसे नहीं डालती, हम भिगो के तब डालते हैं। और ये सीरो इधर गार्डन में से घूम कर आया, कहा ली कैप्टन, हमारे जितने भी डॉग्स हैं सब बैठे हुए थे, हमारा इंतजार करते रहते हैं कब हम आए और हमारे साथ चले। और ये देखो गोलू कितना अच्छा काम कर रहा है, इसे धो के और इसमें पानी भर रहा है डॉग्स के लिए, बिल्कुल अच्छा से साफ करके, कि ये बहुत अच्छे होता है ये काम करना, आप लोग भी करा करो ऐसा, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत दुआएं देते हैं ये, दिल से दुआएं देते हैं। तो हम निकल गए देखो बाजरा लेके, बाजरा डाल के, और मैं क्या करूंगी कि मैं वहीं से फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे गुड़हल्स के फूल हो रहे हैं, गुड़हल के फूल ले लिए फूल पूजा के लिए। और अब हम जल्दी घर की तरफ, यहाँ पे लग रही थी बहुत सारी जामुन, मैं दिखा भी रही हूँ कि इतनी जामुन लग रही है कि यहाँ पे ना उठाने वाला कोई नहीं है, इतनी जामुन है, क्योंकि जो स्त्रीपर आते हैं तो ये झाड़ू लगाई और फेंक देते हैं भर के, लेके कहाँ जाए इतनी जामुन को, कौन खाएगा, थोड़ी सी अपने घर लेके चले जाते हैं। और मैं नहा ली, नहा के मैंने करी पूजा, और देखो सबको दी आरती और सबके लिए दुआएं मांगी भगवान जी से, प्रार्थना करी। और ये हम चल दिए इन्हें छोड़ने, मैं इन्हें छोड़ने के बाद में ये जा रहे थे ऑफिस, और कोई मीटिंग भी थी इनकी, तो ये अपने ऑफिस निकल गए और मैं निकलने वाली थी चांदनी चौक, क्योंकि मेरे को चांदनी चौक में जाना था कुछ साड़ियों की शॉपिंग करने। अच्छा साड़ियां क्या मतलब, मैं खुद से फेब्रिक लेके आके बनवाने वाली थी, तो मैं चली गई थी फेब्रिक लेने, मैंने फेब्रिक लिया यहाँ पे। यहाँ दोनों देखो ये बातें कर रहे हैं खड़े होकर, मतलब कि इसे भी मीटिंग में जाना है, तो अभी ये पहले बहुत देर जो बातें चलती रहती है वही खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। और पता नहीं सैंडी किस चीज का इशारा कर रही है, कि हील्स लेने वाली है माँ, और शादी में हील्स पहनने वाली थी, तो माँ ना हील्स लेंगी और हील्स पहनेंगी, तो ये मना कर रहे थे कि नहीं हील्स नहीं लेनी है। पहले बात तो मैं वैसे भी नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पैर में दर्द होता है, तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, मैं सिर्फ प्लेन चप्पल पहन पाती हूँ या शूज पहन पाती हूँ, तो मैं ज्यादातर आपको शूज में प्लेन चप्पलों में मिलती होंगी, क्योंकि हील मेरे से पहनी नहीं जाती है, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है अगर मैं हील पहन लेती हूँ थोड़ा भी। और ये देखो ये बाबू बैठा है सोफे पे अकेले, में अकेला बैठा बैठा इंतजार कर रहा है, पता नहीं किसका कर रहा है इंतजार। और हमने इससे थोड़ी सी बातें करी और ये चले गए गाड़ी में बैठ के, और मुझे भी तैयारी होगी, मैं भी अपने निकल ली। और हम पहुंचने वाले थे चांदनी चौक, चांदनी चौक पहुंच के, ये देखो चांदनी चौक पहुंच के कितना अच्छा लगता है, चांदनी चौक की गलियों में हम घूमे, हमने यहाँ पे एक रिक्शा लिया तो रिक्शे में बैठेंगे, अभी रिक्शा था या मतलब ये क्या कहते हैं इसे, ये हमने ले ली और हम इसमें बैठ के अंदर जो मार्केट है उसमें निकल गए। और वहाँ पे ऐसे मैंने बहुत सारे फैब्रिक देखे, मतलब काफी सारी बड़ी बड़ी शॉप थी जो वहाँ पे गए थे हम, तो ये देखो ये तो मैंने एक साड़ी सूट, मतलब कितनी सारी साड़ियाँ ली है यहाँ पे मैंने, ये चुटिल्ला लिया कि कभी कभी सूट पहन के पंजाबी लुक बनाना है तो ये भी ले लो एक। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेस मैचिंग करी, और यहाँ बिक रही थी बहुत सारी अच्छी अच्छी कचौड़ी वगैरह, तो हमने यहाँ से कचौड़ी भी ली। और ये हमने सिक्के देखे जो हमारे टाइम के सिक्के थे, 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, और आप लोग भी जानते होंगे जो हमारे टाइम वाले सब लोग होंगे। तो यहाँ कचौड़ी थी, हमें लग गई थी भूख, क्योंकि मेरा खाना गाड़ी में रखा था, गाड़ी थी काफी दूर, तो यहाँ हमने एक कचौड़ी लेके खाई। और यहाँ थी जलेबा, तो जलेबा मैंने तो नहीं खाई, लेकिन मैं घर वाले स्टाफ के लिए सबके लिए पूरा 1 किलो जलेबा ले गई थी। अच्छा वहाँ पे वहाँ के जलेबा है 600 रुपए किलो, आपके यहाँ पे किस रेट में है आप जरूर कमेंट्स करके बताना। तो 600 रुपए किलो जलेबा, 600 रुपए किलो रबड़ी थी, तो वो रबड़ी ली। और छोटा सा मीनू ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना नहीं मिला। थैंक यू।